गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रागिनी त्रिपाठी आप सभी के साथ यहाँ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि बीएड फर्स्ट ईयर से है। बीएड फर्स्ट ईयर में यूनिट फिफ्थ में एक टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन गुड टेक्स्ट बुक जनरल्स एंड मैगजीन्स। अच्छी पाठ्य पुस्तक, एक अच्छे जनरल या किसी अच्छी मैगजीन के चयन के बेसिक आधार क्या हैं या किस बेसिस पर हम इन चीज़ों का चयन करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ बात करें कि जब हम किसी चीज़ को ख़रीदने मार्केट में जाते हैं, जब हम किसी चीज़ को लेते हैं, चाहे वो बुक हो, मैगज़ीन हो, एक्स वाई जेड घर की ज़रूरत का कोई सामान हो, तो भी हम उसे देखभाल करके परख करके ख़रीदते हैं। लेकिन जब हमारे एजुकेशन की बात आती है तो हम उन पाठ्य पुस्तकों या उन जनरल्स या मैगजीन्स का चयन करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझते हैं जिनमें जानकारी अच्छे तरीके से दी गई होती है, सिस्टमेटिक होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम किसी बुक को एक अच्छे या बुरे होने का मापदंड देते हैं या किसी मापदंड के आधार पर तय करते हैं, उन मापदंडों के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें एक जनरल शब्द आ रहा है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। जनरल किसी भी एजुकेशन सोसाइटी या किसी एजुकेशनल संस्था के द्वारा पब्लिश की गई वो बुक, वो मैगज़ीन होती है जिसमें जो हाल फिलहाल में किए जा रहे रिसर्च हैं किसी भी विशेष सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये किसी सब्जेक्ट को लेकर के बनाई जाती हैं। जैसे एजुकेशनल जनरल्स में मिलती हैं तो हमें साइंस की जनरल्स भी मिलती हैं, तो इसी प्रकार किसी विशेष सब्जेक्ट को लेकर उस क्षेत्र में जितने भी नए अपडेट या नई जानकारी या नए रिसर्च हो रहे हैं उन सभी को उस बुक में हमें एक जगह सारी जानकारी नई जो है वो मिल जाती है। तो ये जो है इस प्रकार के विवरण मिलने से हम लोग स्वयं को अप टू डेट रख सकते हैं उस सब्जेक्ट की जानकारी में जिस सब्जेक्ट से हम बिलोंग करते हैं या जिस सब्जेक्ट के प्रति हमारा इंटरेस्ट है। तो जनरल्स जनरली रिसर्च पेपर पब्लिश करता है और उसमें किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे रिसर्च पेपर एक बुक में पब्लिश किए जाते हैं। जनरली मंथली या वीकली या ईयरली पब्लिश होती है, मंथली पब्लिश होती है, ठीक है। इसी के साथ एक वर्ड जो आ रहा है वो है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया एक हम माने तो एक रिसोर्स संदर्भ ग्रंथ हम जिन्हें कहते हैं, वो रिसोर्स बुक्स हैं जिनमें हम किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के विषय में विस्तृत और गहन जानकारी हमें इसके अंदर मिलती है। संदर्भ ग्रंथ जो हैं वो जनरली किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बनाए जाते हैं और उनमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट, जितने भी तथ्य आते हैं उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई होती है। और जनरली एनसाइक्लोपीडिया ग्रीक शब्द एनकिक्लोसपीडिया से बना है और ये एक ग्रीक शब्द है। इसमें संदर्भ ग्रंथ जनरली शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में भी यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि हम जैसे 12th तक पढ़ रहे हैं तब हमें जनरली कुछ टॉपिक्स के लिए हमें रिसोर्स बुक्स का अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन जब हम जैसे जैसे हायर स्टडीज़ में आते हैं, बड़ी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आते हैं, तब हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड कई चीज़ों की जानकारी के लिए हमें इस प्रकार के रिसोर्स बुक्स का अध्ययन करना पड़ता है जिनमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई होती है। इनमें सब एजुकेशन क्षेत्र में देखें तो मुंड्रो का एनसाइक्लोपीडिया जो है वो सबसे अधिक फेमस है और जनरली इसमें एनसाइक्लोपीडिया में जो विवरण दिया जाता है वो शब्दवार अल्फ़ाबेटिकली होता है। अल्फ़ाबेटिकली हमें सारी चीज़ों का विस्तृत विवरण भी उसमें मिल जाता है। तो ये तो थी इन चीज़ों की सामान्य जानकारी कि एनसाइक्लोपीडिया या जनरल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आते हैं किसी भी जो हम टॉपिक है हमारा कि किसी भी अच्छे पाठ्य पुस्तक इनको चयन करने के आधार क्या हैं, तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ये टॉपिक शॉर्ट में समझाने जा रही हूँ, तो इसको किस प्रकार से करेंगे वो आप आगे हम देखते हैं।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टॉपिक का नाम लिख रखा है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन गुड टेक्स्ट बुक मैगजीन्स एंड जर्नल्स। अब हम इसके जो बेसिस पढ़ेंगे या उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ टेक्स्ट बुक। इसको हम जनरली दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहली क्वालिटीज़ है यहाँ पर एकेडमिक या अकादमिक। और दूसरी जो है क्वालिटी वो है भौतिक या फिजिकल। ठीक है, तो किसी भी पाठ्यपुस्तक को हम दो बेसिस पर देखते हैं। सबसे पहला होता है अकादमिक और दूसरा होता है भौतिक। अकादमिक में हम जनरली उन चीज़ों को लेते हैं जो कि हमारे कोर्स से रिलेटेड होती हैं, जिनमें कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का समावेश किया जाना है, बार ग्राफ आएगा, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना है, किस प्रकार के उदाहरण लिए जाने हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। जैसे कि इसमें अब मैं आपको पॉइंट्स बताती जाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसमें विषय सामग्री का चुनाव। ठीक है, आप इसमें क्या क्या कंटेंट लेना चाह रहे हैं वो सारा जो है हमें जो पॉइंट्स मेन ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है विषय सामग्री का चुनाव, कि हमें उस बुक में या उस टॉपिक में कौन कौन सा कंटेंट लेना है जो कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, वो उस और उस सिलेबस को कंप्लीट करता हो, तो वो सबसे पहले हमें उसके लिए जो सब कंटेंट हमें लेना है उस कंटेंट का सिलेक्शन करना होगा कि कौन कौन सा कंटेंट किस इस बुक में जाना चाहिए। वो कंटेंट जो है वो उस बच्चों की एज वाइज, रुचि वाइज, क्लास वाइज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंटेंट का सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बुक तो किसी 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे के लिए बना रहे हैं और आपने उसमें कंटेंट इतना डीप स्टडी के लिए दे दिया है जो कि आपके कॉलेज लेवल की बुक्स में होता है, तो वो उस स्कूल के या उस क्लास के बच्चे के लिए वो बुक यूज़फुल नहीं रह जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले कंटेंट का सिलेक्शन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है विषय सामग्री का संगठन। विषय सामग्री का संगठन, जो कंटेंट है उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल करके, किस प्रकार के ग्रुप्स में डिवाइड करके उसको हमें उस चैप्टर में एडिट करना है, उस चैप्टर में डालना है, किस प्रकार से उसको एडिट करना है, उसको किस प्रकार से हम बुक में कि भाई पहले भूमिका लेनी है, उसके बाद उसकी डेफिनेशंस आएंगी या उसके बाद उसके प्रकार आएंगे और कितने कितने लेवल पर उसका डिस्क्रिप्शन देना है, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो विषय सामग्री के संगठन में डाली जाती है। उसके अंतर्गत देखी जाती है कि किस प्रकार से किस कंटेंट को किस किस हेडिंग और किस किस सब हेडिंग में रख करके हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है इसमें विषय सामग्री का प्रस्तुतीकरण। विषय सामग्री का प्रस्तुतीकरण, ठीक है, किस कंटेंट को किस तरीके से हमें बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उन्हें बच्चों के सामने समझाना है, उसमें क्या उदाहरण आने चाहिए, क्या उसमें डायग्राम आना चाहिए, किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करना है, सरल शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस टॉपिक के अंतर्गत देखी जाएगी। विषय सामग्री का प्रस्तुतीकरण, हम किसी बुक में जब वो कंटेंट डाल रहे हैं, प्रिंट करने जा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ जाएंगी, किस लेवल पर जाएंगी, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है मौखिक संप्रेषण। ठीक है, आप वर्बली किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन चीज़ों के माध्यम से, किन शब्दों के द्वारा बच्चों को वो टॉपिक समझाने जा रहे हैं वो सारे मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। मतलब आप किन शब्दों के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे, तो बुक में भी उसी प्रकार की लैंग्वेज
होनी चाहिए, अर्थात सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो बच्चों को वो समझ में नहीं आएगा। फिर है इसके फिफ्थ पॉइंट, दृश्य संप्रेषण। दृश्य संप्रेषण मतलब जो उदाहरण उसमें दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो दृश्य संप्रेषण में आ रहे हैं। किन चीज़ों को, चित्र, डायग्राम इत्यादि जो बच्चे देख करके समझ सकते हैं, उन सब चीज़ों को दृश्य संप्रेषण में डालेंगे। और फिर इसके बाद है दत्त कार्य, जिसको हम होमवर्क भी कह सकते हैं, या बच्चे जिसको कार्य करके लेकर आते हैं, या पीछे जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए होते हैं वो किस प्रकार के इसमें डालने हैं, उसमें किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा, जिस प्रकार के बीएड में ज्ञान, अवबोध, ज्ञानों को कौशल इत्यादि उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न बनाना बताए जाते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न का समावेश पाठ्य पुस्तक में भी होना चाहिए, ताकि बच्चे जब वो अभ्यास कार्य करें या जो अभ्यास उनको करने के लिए दिया जाए, वो जब उस अभ्यास को करें तो उनके इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, जो कि उस चैप्टर को पढ़ाने के माध्यम से शिक्षक बच्चों में डेवलप करना चाहता है। फिर इसके बाद है इसका लास्ट पॉइंट एकेडमिक में, पिछले पृष्ठ तथा अगले पृष्ठ। पिछले पृष्ठ तथा अगले पृष्ठ, ठीक है, अगले पृष्ठ में जहाँ भूमिका, इंडेक्स, जो राइटर होता है उसका स्टेटमेंट इत्यादि दिया गया जाता है, वो सारी चीज़ें किस प्रकार की हैं। और पिछले पृष्ठों में जनरली कठिन शब्द दिए जाते हैं जो उनके वोकैबुलरी को डेवलप करते हैं। उसके अलावा रिसोर्स बुक्स के नाम लिखे जाते हैं, किन किन बुक्स में से उन्होंने इस चैप्टर को तैयार किया है, बनाया है, उन सारी चीज़ों की जानकारी भी इनमें दी जाती है। तो ये तो सारी चीज़ें हुई एकेडमिक क्वालिटीज़ की, जो कि हमें किसी बुक में देखनी होती है। इसके बाद हम भौतिक में आते हैं, या फिज़िकल किसी बुक को जनरली जब हम मार्केट में देखते हैं तो सबसे पहले हम उसका कवर पेज देखते हैं कि कवर पेज कैसा है, किस प्रकार का है, वो जब हमें अट्रैक्टिव लगती है तब हम उस बुक के अंदर झांकते हैं। तो इस पे इसी प्रकार हमें इसकी फिज़िकल बुक की किस प्रकार की होती है उसके बारे में भी ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि अपन ने सेवन्थ यहाँ ली है तो मैं यहाँ पर एट्थ ले रही हूँ। एट्थ पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों का आकार व बाहरी दिखावट, ठीक है, बुक का साइज किस लेवल का है, कितना है, कहीं ऐसा ना हो छोटी बच्चे के लिए बहुत बड़ी बुक हो जाए और बड़े बच्चे के लिए बहुत छोटी सी बुक हो जाए। तो उनके एज के या क्लास के अकॉर्डिंग बुक का आकार देखा जाना चाहिए, और बाहरी जो दिखावट है उसकी किस प्रकार की है। आपने देखा होगा छोटी क्लास के बच्चों की जनरली बाहर से बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव होती हैं, बच्चे उनको देखते ही देखने के लिए लालायित उठते हैं, तो इस प्रकार की बुक जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। इसी प्रकार बड़ी क्लासेस में सिंपल सोबर बुक्स जो होती हैं, लेकिन वो भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इस प्रकार की बुक होती हैं। इसके बाद नाइन्थ पॉइंट है इसका प्रकाशन। प्रकाशन किस प्रकार का है, किस प्रकार की उसमें प्रिंटिंग, फॉर्मेट इत्यादि चीज़ें, सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो इस पॉइंट के अंतर्गत देखी जाती है। इसके बाद आता है मजबूती, बुक कितनी अच्छी क्वालिटी की है, पेपर उसका कैसा है, कितनी मजबूत बाइंडिंग है उसकी, कहीं ऐसा ना हो कि दो चार बार खोलने करने में बुक बिखर जाए, तो ऐसी बुक कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा। और लास्ट में इसका जो है पॉइंट वो है मूल्य, उसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए की बुक है, उसको जो स्टूडेंट हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी अच्छी बुक के सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन सब टॉपिक्स के बारे में जानकारी हम अगले अपने वीडियो में करेंगे, जिसमें हम इनके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू।